यह हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या कह रखा है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर कास बी, साइन ए बराबर कास बी हो तो ए का मान होगा, मतलब साइन ए और कास बी कब बराबर होगा। तो अब वो कंडीशन बताना पड़ेगा, हमें बता रखा पहला को ऑप्शन दे रखा है जीरो डिग्री से, जीरो डिग्री पे या 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे या आपका 60 डिग्री पे। तो आप टेबल यदि याद रखे होंगे तो देखिए यहाँ से साइन थीटा यहाँ लिख देते हैं और यहाँ से ये कास है भाई, ठीक है कास है। तो ठीक, अब यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं थोड़ा सा आपका, देखिए क्या दे, ये जीरो डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू का पुटअप करिए सन से, देखिए साइन जीरो का मान कितना होता है बताइए जल्दी जल्दी बताइए, ठीक साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है करड़ी में 3/2, सही है ये हो गया। अब कास की वैल्यू लिख लेते हैं, कास जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, कास 30 की वैल्यू कितना होती है करड़ी में 3/2 होती है, कास 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और कास 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। इतना वैल्यू लिख लिए, अब हमसे कह रहा किस कंडीशन पे देखा जाए तो यानी हमारा साइन ए और कास ए तुम्हारा क्या होगा इक्वल होगा। इस कंडीशन में देखा जाए तो ये 45 डिग्री जो है कितना, ये जो 45 डिग्री होता है दोनों कंडीशन में साइन और कास की वैल्यू क्या है सेम है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास क्या आया साइन ए इज इक्वल टू कास ए, तो हम क्या कर देते ए की जगह क्या रख देते 45 लिख देते हैं, ठीक है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कास 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो ये दोनों कंडीशन में क्या बराबर जो ए की ये वैल्यू है। तो ये आप ऑप्शन इस तरह से देखा जाए तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा।